अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गॉड बिहाइंड और मेरे साथ हैं राशिद लतीफ। यार डॉग, और ऐसा लग रहा है कि बड़े तड़पे राशिद हुए थे आप। लतीफ, तुझे क्या बताएं, बोलिए मजे तू की जाने नारकली दिशा। बनैन चाह लैंड तली, जानते हो, चाह तली खान लग रहे हो आप मुझे आज। बनैन लैंड जानते हो, पांदे हो ते पेंदी नहीं, लैंदे हो ते लैंदी नहीं। अच्छा भाई, आज तीसरा वनडे नेशनल खेला जा रहा है, नो सरप्राइजेस। दो तीन चीजें हैं जो मैं राशिद से जरूर पूछूंगा, बहुत यार क्या सीरियस। सरप्राइज नहीं है डॉग, क्या सरप्राइज नहीं है, सरप्राइज की भरमार हो गई आज तो डॉग। आप कैसे बोलते हैं कि सरप्राइज जुल्म नहीं, हो गया, कुछ कुछ जुल्म हो जुल्म हो गया। रहे हैं, कुछ मजाक। यस और यस यस बाकी न्यूजीलैंड ने भी जो जाति की है चैट बोर्ड के साथ, उन्होंने बार करता है राज कर रहे थे बड़ा, तो अभी उन्होंने कोल मकान की खिला दी है ऑफ ब्रेक की वजह से, शायद रचिन रविंद्र भी बाहर हो हाँ, गए। सुन ली उन्होंने, शो देखा था हाँ, उन्होंने। उन्होंने सुन ली है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये मैकॉन्की का भी 8 फर्स्ट क्लास 100 है और एक 214 हाँ हाईएस्ट है, डॉग, 60 ये आज टॉम रही ब्लेंडर ब्लेंडर भी खेल रहे हैं आज। है। और इनका पंजाबी नहीं, और ब्लंडर आज ब्लंडर ना कर दे पाकिस्तान का, टॉम ब्लंडर भी जी खेल रहे हैं, और इसका मतलब टॉम देखा विकेट कीपिंग नहीं कर रहे राशिद। सो वी हैव सर, सीन यस। जो उन्होंने शिकले को मेंटेन किया, जो कि मुझे समझ नहीं आई, सस्टेन किया इस सॉरी जो कि उनका। अच्छा यार, इस सोडी ने बड़े मजे का कॉम्प्लीमेंट दिया जो हमें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा, ये हम सच्चाई में उस्ताद को कोच नहीं कहते हैं, हम कहते हैं गुरु जी। और मैट हनरी हैं और विल यंग हैं, ब्लेंडर है, ठीक हो गया। पाकिस्तान की टीम दिखाई जी जरा, मैं उस पर जरा बातचीत कर लूँ पहले। सर ये इस टीम में इफ्तिखार जो है, चले आप बोले बोले है। नहीं, आप बोले बोले बोले। नहीं, इसमें देखे ना, अभी विलियमसन की जगह पक्की कर रहे हैं ये डैरिल मिचेल की, क्योंकि 3 नंबर पे वो खेलते थे, शायद वर्ल्ड कप में नहीं हो, इस वजह से यहाँ पे मुसलसल देखे आप 3 नंबर पे ही बैटिंग कर रहे हैं। बाकी हमारी टीम में चेंजेस किए और इफ्तिखार नहीं आए, अब्दुल्ला शफी को दोबारा चांस दिया, शान मसूद को नहीं दे सकते थे, चलो मिडिल हाँ, ऑर्डर बिल्कुल दोनों दोनों ही मिडिल ऑर्डर नहीं है, और दोनों ही की जगह मिडिल ऑर्डर आना चाहिए था। खैर एनीवे, ये हमारी रीत है और मौका राशिद, राशिद नहीं मिलना राशिद, ये बड़ा सीरियस पॉइंट है, आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट किया है कि क्या ये शान आप मसूद। यार जी आपको करना चाहिए था ना, ये तो आपने कहा था सर, रोनी मैं की करना था, टीम आपने पहले बनाओ। ही चुक लिया, मैं क्या करूं, मैंने अभी नहीं बताया था नो 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 जाती है। नो देखिए यू आर द सर, होस्ट। जाती सर मेरा, ओके आई एम द होस्ट सर, आई नो। मैं राशिद, मेरा मकसद ये है कि अगर शान मसूद की इंजरी हुई और वो दूसरा वनडे नहीं यस नहीं खेला, लेकिन यस आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन था, वो शान मसूद था। अच्छा, वो सही था या गलत था मिडिल ऑर्डर के लिए, दैट इज अनदर क्वेश्चन। और उसके बाद नहीं, आप जब वो फिट हो गया, उसने फिटनेस दे दी, तो आपने फिर अब्दुल्ला को प्रेफर कर दिया। ठीक आई एम है, नॉट, दो सारे प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन जब इफ्तिखार आ जाते हैं ना, नहीं तो हाँ सवाल ही नहीं पैदा होता कि फिर उसके बाद के शान आ जाए या अब्दुल्ला आ जाए। और और आपने इफ्तिखार को जाति हमने पहले फ्रेम करने नहीं, के लिए रखा है, इफ्तिखार उसके को फ्रेम करके पहले लगाएंगे पहले कमरे में। यार आप कमेंट्री पे कमेंट मारे जा रहे, सवाल कर नहीं रहे। अच्छा, सवाल करूँ, मैं गुस्सा खड़ा होता है इफ्तिखार पे, इतनी मेहनत। बट एनीवेज, मुझे ये बताएं कि हमने पहले देखा कि शहनशाह अफरीदी को रेस्ट किया, स्टिफ लगे थे पहले मैच में, उसके बाद वो वापस आए, लेकिन अब हमने हारिस रऊफ को रेस्ट कर दिया। ये रोटेशन कर रहे हैं कि हम वसीम जूनियर को लेके आए, क्या रोटेशन में हमारी, ये क्या है। वसीम जूनियर डेथ ओवर का अच्छा बॉलर चेक करना चाह रहे हैं क्या, एहसान को भी चेक किया, ये क्यों, एक मैच में चेक करके सब पता चल जाएगा इन लोगों को, हाँ और एक मैच में पता चल गया इनको कि अब्दुल वो एहसान ठीक नहीं है, शान सही नहीं है, अब्दुल्ला ठीक नहीं है, तो एक मैच में इसका भी मालूम करेंगे क्या एक मैच के बाद ये लोग पहचान सकते हैं नहीं पहचान सकते। सारे जो प्लेयर्स हैं फास्ट बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही नहीं चाहिए। हारिस लोग ठीक है, अभी एक खेलते हुए आ रहे हैं, वनडे भी खेले, T20 भी खेले, वनडे दो खेले में, वो बनता है, और ठीक है सही सिलेक्शन किया, चेक करने चाह रहे हैं कि वो वसीम जूनियर कैसी इसामा बॉलिंग मीर करते को हैं। चेक कर लिया, उसामा मीर को चेक हो नहीं पाए वो अभी तक ना, बैटिंग का एडवांटेज तो रहेगा आपको शादाब का, शादाब लोग कंपेयर कर रहे हैं, मैं कंपेयर नहीं करता, शादाब बहुत आगे है, बहुत आगे का प्लेयर है, ठीक है थोड़ा फोकस होने की जरूरत होती है, वरना कंपेयर कर ही नहीं सकते आप शादाब को सामा के साथ। वो ठीक है कि उसने बॉलिंग अच्छी की थी जब सीजन खेला पाकिस्तान कप में, 27-28 आउट किए, फिर डेब्यू हुआ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, T20 में अच्छी बॉलिंग की उसने, लेकिन शादाब फिर, और शादाब आधा भी ना पूरे उसामा के बराबर है,
बिल्कुल ठीक। और आपने शायद कंपैरिजन भी किया हुआ था बायो मैकेनिकल और वो उनके एक्शन का, और उसमें का साफ पता लग रहा था कि कौन प्रॉपर एक्शन के साथ कर रहा है और कौन किसमें अभी काम होने वाला है। यू आर सो वेरी राइट। रोशन लतीफ, नाउ वेरी सीरियसली आई एम आस्किंग, ये जो हम हरकत कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इवन मोहम्मद रिजवान को, हेलो नहीं हेलो बात। हेलो, मे आई टॉक टू फोन रोशन आ गया, लतीफ फोन प्लीज। आ हाँ गया मैं था। कहते, हम लोग जो ये कोशिश कर रहे हैं, जो हरकतें कर रहे हैं, हम इस पॉइंट पे ले आए, इस दोहराई पे ले आए कि रिजवान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ा कि मैं नंबर 4 पे बैटिंग करना पसंद करता हूँ, बट फिर आखिर उन्होंने बोंगलों से मिट्टी झाड़ते हुए कहा कि जो कोच और कैप्टन सोचेगा मैं करूंगा। बट टॉप 4 फिर होना चाहिए आपका, रिजवान फिर 4 पे होना चाहिए, स्टैट्स भी सबसे बेहतर है। क्या कहते हैं राशिद लतीफ आप? उसको कहना पड़ा ना, मतलब कि बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि रिजवान से अच्छी परफॉर्मेंस या रिजवान से बेहतर प्लेयर हो ना तो आर्गुमेंट नहीं करेगा, ना वो करेगा ना हम करेंगे। ना रिजवान से अच्छा प्लेयर आपके पास है, ना उससे अच्छी परफॉर्मेंस आपके पास किसी और की चार है, ठीक नंबर पे, चार नंबर पे। है ना। वो तो आप जो जो आपका रिमोटली काम कर रहे हैं कोचिज, वो अगर इंस्ट्रक्शन देंगे कि 5 नंबर ये खेलेगा और 4 नंबर ये खेलेगा, तो रिएक्शन ये वो रिएक्शन है डॉग किया, ये आप समझ समझे बात। ये जो टेलीफोनिक या जो रिमोटली काम हो रहा है ना, उसके ऊपर इन्होंने एक झटका दिया है इन लोगों को। और ये शायद अभी शुरू हुआ है, नहीं ये नहीं भी शुरू लोग नहीं समझ हुआ, रहे हैं। ये रिजवान ही कर सकता है और कोई को किसी में थप्पड़ ही नहीं। हाँ ये भी आप बात सही कर रहे हैं, क्योंकि रिजवान की प्रायोरिटीज जिंदगी में बहुत फर्क है, फेथ भी है और बहुत हाई ऑन सेल्फ बिलीव एंड इंटेग्रिटी। ठीक हो गया। अब राशिद जी मुझे ये बताइए कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कि हमने इफ्तखार को ODI के प्लान में नहीं रखा हम, यार ये जरा बाद में बात करते हैं, एक मैं पहले सवाल पूछ लूँ यासिर। अच्छा दूसरा, हमने साउथ शकील 50 किया था, फिर उसके बाद 5 वनडे खेला, नाक की DNS की सर्जरी हुई जो मैंने मना भी की थी कि ना कराई, उसके बाद वो कहीं गायब हो गया। अब हम ढूंढ क्या रहे हैं, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, कभी हम हारिस वेल को लाते हैं वो परेशान हो जाते हैं, तो हम इफ्तिखार को हम क्या चाह रहे हैं कि इफ्तिखार को, अब सपोज आज अब्दुल्ला 100 कर दे, डू यू रियली थिंक कि अब्दुल्ला इज द सोल्यूशन एट नंबर 4 एंड नॉट इफ्तिखार अहमद विद दिस पर्पल पैच? जी नहीं, अगर राशि, 100 100 करता है, देखिए इफ्तिखार के पर्पल पैच ना T20 में, वनडे में नहीं है, माजरा के साथ वनडे में अच्छा नहीं है, अभी खेलेगा तो अगर अब्दुल्ला अगर रन करता है, 4 नंबर पर रन करता है, बैक टू बैक सेंचुरी करता है, तो अच्छा है, फिर वो खेले। अगर नहीं करता है, तो फिर रिजवान की जगह बनती है 5 पे, फिर आपका इफ्तिखार खेलता है। और आपकी जो लिस्ट ए में है परफॉर्मेंस अगर उठा के देखते हैं, देखिए ताहिर तैयब को आपने लिया था कराची किंग ने, अगर लिया ना डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे लिया था, T20+ लिस्ट ए प्लस फर्स्ट क्लास, उसका लिस्ट ए का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, तो ड्रॉप वो वनडे से हो गया, मतलब कि कमाल हो गया ना उसके, उसका तो प्रॉब्लम T20 थी नहीं, उसकी मेरा ख्याल परफॉर्मेंस तो है लिस्ट ए में थी, तो उसको ड्रॉप, ना, आप मिडिल ऑर्डर तो वो था ना, तो उसको ना सेलेक्ट करके अपने धरती किए, तो नंबर 1 तो ये हो गया। तो इफ्तिखार अगर नहीं होते टीम में, तो इनको होना चाहिए था। आपने ड्रॉप किसको किया? 2 3 प्लेयर को कर दिया जो कि आपको नहीं करना था, ठीक है ना, वो कोई भी हो, जिसमें ये इस वजह से बोल रहा हूँ कि मिडिल ऑर्डर चाहिए। 5 नंबर पे बेहतरीन बैटिंग की थी उन्होंने लिस्ट ए में, पाकिस्तानी कप में, तो बाकी इफ्तिखार अभी खेलेंगे, ये लोग देखा अभी कोई भी खेला नहीं है ज्यादा क्रिकेट, ना ना अब्दुल्ला खेला है, ना इफ्तिखार खेला है, ना ताहिर तैयब खेला है, ये खेलते हुए आ रहे हैं, रिजवान खेलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, सलमान अली आगा खेलते हुए आ रहे हैं, ये सारे खेलते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान टीम की जानी से वनडे क्रिकेट को। खुशदिल शाह तीसरा जो नाम है, जो कि सबसे ज्यादा रन लिस्ट में किए हुए हैं उसने, लास्ट वर्ल्ड कप के बाद से नंबर 1 पे वो एवरेज एवरेज में रन में, तो वो भी टीम में नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क तो बहुत ज्यादा है। तो हम लोग सिर्फ अब्दुल्ला या शान की बात नहीं है, बात ये जो मिडिल ऑर्डर है वो किधर है। राशिद बिल्कुल सही कहा आपने कि मिडिल ऑर्डर हमने कैसे पिक किया, क्या हमारा क्राइटेरिया, ये तो हमारा फलसफा पता है क्या है, हम असूलों पे चलेंगे लेकिन असूल हम बनाए, मतलब अपने फेवरेट्स के लिए असूल और हैं। और अब मतलब शान का अब ठीक है, आप जो बात कर रहे हो कि वो मिडिल ऑर्डर नहीं है, लेकिन आप उसका इस तरह ड्रॉप करना है, या तो आप उसको पहली प्रायोरिटी ना देते और पहले ही आप अब्दुल्ला के साथ जाते, तो वी कुड हैव ठीक है इमेजिन। अब उसका लिस्ट ए रिकॉर्ड देखें यार राशिद, थर्ड बेस्ट है और एज फोर्थ बेस्ट इन द ए ओपनर है, हाँ।
अग्रीड अग्रीड अग्रीड। अच्छा आप राशिद, अब आते हैं जरा बाबर आजम, काफी जेरे अताब रहे लेकिन अब सुना दस्ते शफकत रख दिया मिकी आर्थर ने उनके सर पे। और सो अब बात ये है कि इस मैच से पहले यानी कि उनकी 96वीं 96वां जो है वो इनिंग्स है और गालिबन ये उनका 98वां मैच है, तो ये फास्टेस्ट कर देंगे। 73 रन थे और अब 15 पे नॉट आउट थे जब हम आए हैं ऑन एयर, तो 5000 फास्टेस्ट हो जाएंगे इनके। तो ये स्लाइड यासिर भी दिखा रहे हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हाशिम आमला के फास्टेस्ट 5000 है जो 101 इनिंग्स और 104 मैच में। और फिर सर विव हैं दूसरे नंबर पे जिनके 114 इनिंग्स और 126 मैच। तीसरे विराट कोहली हैं 120 मैच और 114 इनिंग्स। तो अब ये बाबर आजम तो इनको पीछे छोड़ने जा रहे हैं और बड़े मार्जिन से छोड़ने जा रहे हैं। इस मैच में ना भी हो 6 इनिंग्स रहती हैं उनके पास, 7 मैच रहते हैं, क्या कहते हैं आप बाबर आजम पे नाउ ये रिकॉर्ड देखिए। लेकिन 5000 का मतलब है फास्टेस्ट, कि ये जितने नाम लिए हैं आपने, सर विव रिचर्ड्स क्या है, विराट कोहली है, हाशिम मामला है, और भी होंगे, फाफ डुप्लेसी होगा, डिविलियर्स होगा इसमें, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स की हैं, ठीक है ना, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के नंबर 3 के ऊपर 64 है। हालांकि एज ए कैप्टन विराट कोहली 72 एवरेज है और इनकी है 74 की है। खैर सैंपल साइज इतना बड़ा नहीं है इनका अभी, लेकिन लंबी रेस के घोड़े इसीलिए बोला जाता है इनको, हाशिम आमला हो जाए, विराट हो जाए, ये लंबी रेस के घोड़े होते हैं। 5000 रन फास्टेस्ट करना, 1000 किए हमारे दो प्लेयर ने, फखर ने भी किए हैं और साथ में इमाम ने भी किए हैं। 5000 का डिफरेंट होता है, यहाँ बंदे के करियर खत्म हो रहा होता है, 5000 हो रहे होते हैं और ये मिड करियर में है अपने हैं, और फास्टेस्ट रन हटा या देना, अगर ये हटा देना। उसके अलावा डॉग खास बात जो नजर आती है ना, देखिए इनको कराची किंग की किट में भी आपने देखा, दलमी की किट में भी देखा खेलते हुए, सेंट्रल पंजाब से भी देखा आपने, और पाकिस्तान डिफरेंट है, वाइट किट डिफरेंट है, कलर क्लोथिंग डिफरेंट है, स्पेशल है इनके लिए कुछ, समथिंग स्पेशल है ये पाकिस्तान कलर, पाकिस्तान किट, इसमें डिफरेंट प्लेयर बन के सामने आते हैं। जलमी की इनिंग उठा के देख लें, स्ट्रेट्स उठा के देख लें, कराची किंग्स उठा के, सेंट्रल पंजाब लाहौर को उठा के देख लें आप, 3 सदरन के देख लें और साथ में रट्टी बीएल तक खेले उनके देख लें। बाबर आजम स्पेशल समझता है शायद ये पाकिस्तान टीम को, इसके परफॉर्मेंस अलग ही है, 5 6 8 जगह से खेला है ये, तो ये अलग निकल के आता है, और जितना टाइम जाता जा रहा है उतना ही ज्यादा अच्छा होता चला जा रहा है। ये प्लेयर की खासियत है जो कि शायद इससे पहले किसी और में नहीं होगी, जरूर शायद हम देख नहीं पाए कि हम देखना नहीं चाहते थे। आप क्या कहते हैं इस पर? एब्सोल्युटली राशिद, कि इनका अगर मुझे याद है कि फर्स्ट क्लास में भी जब ये टेस्ट खेले तो सिर्फ 2 सेंचुरियां थी, और आपने बड़ा सही कहा, प्रोबेबली ही इज द बैट्समैन फॉर द बिगर स्टेज। ये वो हैं जो कि जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, जहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होती है, चैलेंज बड़ा होता है, वहां पे मैक्सिमम इनकी एबिलिटी निकलती है। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ना सिर्फ वो, तो आप बेहतर समझते हैं कि अपने मेथड से और अपनी अप्रोच से और अपनी स्किल से, बट इनकी खूबसूरती में भी इजाफा होता जा रहा है। बैटिंग इनकी ऐसे लगती है कि अब कंप्लीट होती जा रही है। सो आई टोटली एग्री विद यू कि ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि फर्स्ट क्लास में शायद उस तरह की अप्रोच नहीं होती या लेसर चैलेंज में उभर के नहीं आते। मरहूम वसीम हसन राजा वॉज वन ऑफ द टाइप्स जो कि इस तरह के नए थे, कि जहां पे उनको चैलेंजिंग सिचुएशन होती थी वहां पे वो परफॉर्म करते थे। इवन अगर आप आसिफ इकबाल की बैटिंग देखें तो वो जहाँ पे टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान फंसता था वहां पे हिज बेस्ट यूज टू कम आउट, अदरवाइज वो तभी तो मैन ऑफ क्राइसिस थे। तो ये आप बड़ा सही चीज कही है कि अब जैसे जावेद मियांदाद से कंपेयर करें तो जावेद भाई तो गली के मैच में भी उतना ही सीरियस खेल के और उतने ही चैलेंज के साथ उतने ही रन कर देते थे ना, वो तो हर जगह के लिए एपेटाइट। तो आपने बड़ा सही कहा, और बहुत बड़ा लॉस होगा अगर हमें इस तरह से। ये जो नाम लिए हैं ना आपने, जितने भी प्लेयर के, जावेद भाई हो गए, वसीम हसन राजा, ये पाकिस्तान क्रिकेट के आइकॉन है, इनको देख के सबने क्रिकेट शुरू की है, तो इनसे तो हम ना बात कर सकते हैं, इनके मामले में चाहे इंजमाम हो, चाहे यूसुफ हो, चाहे यूनुस हो, ये ग्रेटेस्ट एवर पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, इनको देख के हम लोगों ने, इन लोगों ने क्रिकेट शुरू की है, मे भी इनसे अच्छा बिल्कुल रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन जो एक 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 रुतबा जो होता है ना प्लेयर का, सीनियर प्लेयर का, वो अपनी जगह होता है। जी डॉक्टर साहब, अच्छा, मैं एक और चीज आप ध्यान में रखें कि
ये सेंसिटिव होते हैं, जो इस किस्म के फिनोमिनल मॉड्यूल में चैलेंजेस में काम परफॉर्म करने वाले, जो वर्ल्ड लेवल पे पायरामिड की टिप पे जो एक्सेलेंस पे जाते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं। इनको अगर बनना इनके लिए आसान होता तो टूटना भी बहुत आसान होता। तो यस ही ये फ्रेजाइल है, ही नीड्स टू बी हैंडल्ड विद केयर। ये जो हरकतें हैं ना, कप्तानी से हटा दो, डाल दो, स्ट्राइक रेट कम हो नहीं, गया, आपकी ज्यादा बात हो गया, आपकी बात यूजलेस आर्गूमेंट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं बराबर में विराट कोहली को देख लेते हैं। ठीक है, फ्रेजाइल कितना ज्यादा है, उनके साथ जो हुआ उनके माइंड में था और रिएक्शन आ रहा है, चाहे वो गंभीर की सूरत में निकले चाहे या गंगोली की सूरत में निकले, निकलता जरूर है। देखिए ना, उसके 2 साल आपने दबा के रखा, प्रेस करते रहे करते रहे, वो एकदम फ्लेयर अप हुआ तो यार, नंबर वन प्लेयर, जो करंट प्लेयर की जो वैल्यू है ना, वो जितना बड़ा भी ज्यादा हो, नाम से ज्यादा हो या काम से ज्यादा हो, करंट प्लेयर से नहीं टक्कर ले सकता कोई भी। तो आपकी बात बहुत अच्छी है कि स्मिथ को हमने रोते हुए देखा, वार्नर को देखा, जो मैच वो उसका बॉल टेम्परिंग का, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये जो प्लेयर्स होते हैं, रग्बी के प्लेयर्स हो जाएं या क्रिकेट के, फुटबॉल के, वेरी सेंसिटिव होते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और अब हम अगर राशिद, एक और चीज़ है, ये स्लाइड जरा यहाँ से दोबारा दिखाइएगा, वो नंबर 3 पोजीशन में जो परफॉर्मेंस है बाबर आजम की, और फिर हम बाकी कंपैरिजन पाकिस्तान का अगर देखें, वो जरा दिखाइएगा दोबारा कि उसमें, और फिर आगे हम बात करेंगे पेस और स्पिन की भी नेशनल स्टेडियम में क्या है। अब ये देखें राशिद, आपके सामने है कि नंबर 3 पे 64.5 एवरेज है, और फिर फॉलोड बाय मोहम्मद यूसुफ, और हमें लगता था कि जहीद भाई को कोई भी नंबर 3 पे बेहतर प्लेयर नहीं आएगा वनडे नेशनल्स में। तो इस पे जरा अगर आप थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करें, या हफीज का भी कंपेयर नहीं कर, मैं कंपैरेटिव। बताऊँ क्या, देखा मैं एक एक ऐसे प्लेयर को, बाबर आजम को कंपेयर मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम, शोएब मलिक, हफीज, इनसे कर नहीं सकता क्योंकि इनको देख के उसने क्रिकेट शुरू की है। हाँ, ठीक डिजिट में आप डिजिट में आप कह सकते हैं क्या बेटर रिकॉर्ड है, बेटर प्लेयर भी होगा, लेकिन बड़ी अच्छी एक विराट कोहली का कॉल है कि यार लोग क्यों कंपेयर करते हैं सचिन के साथ, जिसको देख के मैंने क्रिकेट शुरू की, सहवाग भी ये बोलता है, तो उससे कंपेयर बनता नहीं है। तो ये सेम चीज यहाँ पे है। हाँ, हम लोग जो बात करते हैं कि यार इसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छा प्लेयर है, वो तो दुनिया को पता है, दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, हम कंपेयर करने लगते हैं यार ये जावेद मियाँ से अच्छा है या उससे अच्छा है। हाँ, ये जरूर है कि यार क्या खेलता है, लोगों को रोक लेता है, रोकना होता है ना, कि सहर है इसकी गेम में, अमेजिंग प्लेयर है ये। लेकिन हम लोग, मुझे और आपको शायद ना ही करें क्योंकि हम हर एक के फैन है, चाहे ज्यादा अहमद हो, यूनुस खान हो, रमीज राजा हो, सलीम, ये लिस्ट ठीक है कह रहे पूरी हैं आप, पाकिस्तान की जो ठीक जो नंबर 3 पे खेले हुए। है ठीक है। और ये राशिद ने जी बड़ी खूबसूरत बात की, और हम एक और चीज बुझ जाते हैं कि डिफरेंट जनरेशन्स में इम्पैक्ट जो है वो मैटर करता है और नंबर्स मैटर नहीं करते। अब जावेद भाई को अगर शायद इतने मैचेस मिलते या किसी और को, एक आर्गूमेंट हो जाएगा ना, तो राशिद ने बड़ा अच्छा कहा कि कंपेयर आप नहीं कर सकते नंबर्स में, अब यूनुस खान बहुत आगे हैं, बट यू कैनोट टेक हनीफ मोहम्मद नहीं, इम्पैक्ट। इसमें इसमें देखिए, जावेद भाई की बात करते हैं ना, टेस्ट मैचेस की, हमारी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग नहीं थी। छोटा सा छोटी सी बात करूंगा कि एक 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 जगह कमरे में आग लगी हुई है, तो जावेद मियाँदाद को बोलो यार आग में अंदर चले जाओ, तो अंदर 2-4 घंटे अंदर रहते, तो ये फर्क है। अभी ना गार्डन बना हुआ है, गार्डन में जाओ, आपकी बॉलिंग भी तगड़ी है, उसके 90s में तो बॉलिंग तगड़ी हो गई थी ना, उसके बाद तो हम ये इमरान खान होते थे बस, वो बॉल कर रहे हैं सरफराज नवाज, बाद में बने सारे। खैर, एनीवे डॉग, आगे चले जाएंगे हम लोग, आते हैं नेशनल स्टेडियम कराची पे आ जाएंगे वापस। अच्छा, और दूसरा नेशनल स्टेडियम पे अगर यासर थोड़ा सा उधर चले, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की पेस और स्पिन का कंपैरिजन अगर हम देखें, तो राशिद इसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ऑलमोस्ट पेस इकोनॉमी में तो सेम ही है। पाकिस्तान 5.8 है और न्यूजीलैंड 6 है। बाकी अगर आप एवरेज देखें अगेन, ये अभी आपके सामने आ गया, ये आप देख लो कि ये भी पैरेलल आप ड्रॉ नहीं कर सकते। पाकिस्तान बेहतर है बट स्लाइट एज है, और स्पिन में जो है वो ज्यादा आउट कर दिए हुए न्यूजीलैंड ने एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। जी राशिद, अब आप स्पिन इकोनॉमी भी देखें तो हम थोड़े से बेहतर है, मार्जिनल, तो एक बराबर ही है, क्या कहते आपने बता ही दिया, मेरे को जरूरत ही नहीं है मेरी तो। चले अगला अगला पूछ लेंगे, लेकिन आप पीछे से कुछ तो निकालेंगे, गुरु हैं आप नहीं सर, ये नेक्स्ट। आप, हाँ
अच्छा स्ट्रेस नेशनल स्तर पढ़ने में, एक चीज याद रखिएगा, स्ट्रेस पढ़ने में और बताने में फर्क होता है। पर, आई टोटली एग्री विद यू। ये लें जी, ये तो बैट सेकंड आ गया जनाब, तो उन्होंने तभी टॉस जीत के बताएं बैट्समैन को खिला दिया। सर, ये जो डेटा, ये जो आपके पास नंबर अंदर आ रहे हैं, ये प्रीवियस सीरीज के हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड 2-1 से जीत गया था यहाँ पे, और उसमें ये दो बैट सेकंड पे जीता, एक पाकिस्तान शायद जीता था, बैट फर्स्ट पे जीता था ये। टॉस विन मैच विन 66%, और आज पिछले दो मैचेस हो या 11 मैच हो, टॉस जीत के ज्यादातर ने खुद बॉलिंग करने की फोकस दिए पाकिस्तान में, और यही रीजन है कि शायद मैच का फर्क, जो कराची में थोड़ी बहुत स्विंग भी होती है, सीम भी होती है, और ये किस तरह से आउट हुए, ये रिकॉर्ड 21 से है और परसेंटेज आप देख सकते हैं, LBW की कम नजर आ रही है आपको, रेशियो नजर कम आ रही है, लेकिन ये कि कराची की पिच थोड़ी सी डिफरेंट होती है पिंडी के लिहाज से, थोड़ा ग्रिप करती है, स्विंग भी मिल जाती है थोड़ी बहुत, जब भी आज शुरू के 3-4 ओवर में तो बीट हुए हैं फखर भी और इमाम भी, तो फर्क है। पिंडी की बहुत अच्छी पिच थी, बहुत मजेदार पिच थी, 350 वाली पिच थी, तो बहुत फर्क है कराची पिंडी और लाहौर के मैचेस में टर्फ पे। डॉग आप क्या कहते हैं कि पिचेस के बारे में, वैसे ये पिंडी जो आपने मेरे पहले, देखा? हाँ मैं पहले आपसे एक सवाल कर लूं कि ये जो मुझे नजर आ रहे हैं मोड ऑफ डिसमिसल और परसेंटाइल, तो क्या मैं ये ना समझूं कि कराची नेशनल स्टेडियम की पिच ऑन द स्लोअर साइड है? स्लोअर साइड किस माने में आप कह सकते हैं? ये जो स्टैट्स में देखे ना आपके, कैच 48.80% हुए हैं, बोल्ड सिर्फ 16 हुए हुए हैं, LBW सिर्फ 3 हुए हुए हैं, तो इस तरह मैं डॉग, क्यों? तीन तीन मैच में 16 बोल्ड हो जाना बहुत बड़ी बात हाँ होती है, तीन ये ठीक है कि लेग सैम्पल बिफोर। साइज हमारा लो तीन डॉग, है, ठीक इसमें देखें पेस पेस की बात नहीं है, पिच की, पिच में अगर मूवमेंट है ना, ग्रिप हो रही है, सीम हो रही है या स्विंग हो रही है, ठीक है ना, दो दो अलग अलग चीज अगर एक साथ हो रही है और ब्रेक भी साथ में थोड़ी बहुत हो रही है, तो स्लो स्लो साइड पे भी इफेक्टिव हो जाता है। वो पिंडी में जितनी तेज कर रहे थे उतनी जोर से लग रही थी, क्योंकि स्विंग या ब्रेक नहीं हो रही थी। अच्छा। स्पिनर्स वैसे का देखे, जी, बोले। हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि बल्कि रिवर्स को, अगर आप बल्कि आप इसी को कंटिन्यू कर दें कि रिवर्स को एक जमाने में कराची में बहुत ज्यादा होता था, शायद बिकॉज ऑफ द ट्रांस ब्रीज और वो क्रॉस टेस्ट ब्रीज मैचेस जो में, होती टेस्ट थी मैचेस में, टेस्ट में। टेस्ट मैचेस, वनडे में भी होता था, ऐसा नहीं है। वनडे में अगर डे मैच है, वाइट वो रेड बॉल से होता था, स्विंग होती थी टी के बाद स्पेशली जब होता था, लेकिन टेस्ट मैचेस में आप कह सकते हो डॉग के वहां पे ज्यादा अच्छा मिल रहा था। अब यूनिवर्सिटी एंड से जब बॉलिंग होती थी, मोस्टली फास्ट बॉलर वहीं से करते, क्रॉस ब्रीज मिलती थी तो वहां से बड़े आउट मिलते थे वहां कराची में। अच्छा अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग ऑब्वियसली हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम फखर जमान फॉर दैट मैटर, ब्रिलियंट वनडे बैट्समैन हैं, प्रॉबेबली कम्पीट कर रहे हैं, अब जो उनके नंबर्स हैं 3 सक्सेसिव सेंचुरियां वेड़े में नहीं होती, उन्होंने वनडे नेशनल में कर दी, 10 100 कर चुके हैं, इतने डोंट यू थिंक कि थोड़े वल्नरेबल हैं जहाँ पे थोड़ा गेंद हिलता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? तो क्योंकि हर मुझे हर हर 3.5 लग रही थी ना। हर हर प्लेयर लगता है, हर प्लेयर डॉग वर्नेबल लगता है जहाँ स्विंग होती है, सवाई बाबर आजम लेकिन नहीं, स्विंग होती है वो भी जाते हैं, थोड़ी बाहर बॉल कर रहे हैं जाते हैं, ऐसा नहीं है डॉग। कोई भी विव रिचर्ड्स के लिए स्लिपे लगी होती थी तो फिर तो लगी नहीं, वो तो हर, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। ये तीन प्लेयर चार प्लेयर की बात करते हैं कि तीन लगातार सेंचुरीज की है, तो सीमेंट वाले प्लेयर अलग ही होते हैं। फखर का भी ब्रॉट अप ना सीमेंट प्लेयर थे, कराची से ही है ना मेन, हाँ जी हाँ तो 10 साल शुरू के कराची से खेले, सईद अनवर ने बिल्कुल किया है वो भी सीमेंट प्लेयर, जहीर अब्बास की बात करते हैं वो भी सीमेंट प्लेयर, बाबर ने भी जो जिस एज में क्रिकेट खेली है ना वो भी सीमेंट की लग रही है। बाबर आजम हो गया, कामरान अकमल हो गया और समी असलम हो गया, ये गुर के उमर अकमल हो गया, ये शॉट मारते हैं ना, ये सीमेंट वाले पक्के जबरदस्त। हाँ मलिक साहब, सलीम मलिक वो आर्टिस्टिक प्लेयर थे, ये डिफरेंट थे, ये खेलते जरूर होंगे सीमेंट पे लेकिन ये डिफरेंट प्लेयर थे। तो दूसरे भी इसमें डिफरेंट है। क्या है, उसमें क्या है कि जब आप खेल रहे होते हो तो आपका बल्ला फिर सीमेंट की तरह ही चलता है, जब थोड़ी स्विंग होती है ना आपको इश्यू आ जाते हैं,
लेकिन जिस दिन चलते हैं ना तो सही धनवर की तरह 194 करते हैं या 210 करते हैं आप फखर रहमान की तरह। की स्विंग में प्रॉब्लम होता है हर एक को, ऐसा नहीं है किसी को भी नहीं होता। ओके, अब मुझे ये बताएं, स्विंग में प्रॉब्लम होता है या नहीं होता? क्योंकि मेरे जो है ना दिमाग का दही बन गया है कि जो इंडिया में कितना कितना टैलेंट अवेलेबल है, और अब मैं समझ रहा हूँ, मैं बड़ी एक मतलब कंट्रोवर्शियल सी बात करने लगा और आपसे सवाल पूछूंगा कि आपको क्या लगता है। मुझे लगता है कि वहां पे भी मेरिट पे कुछ लोग पर्सनल लाइक्स पे आते हैं और मेरिट पे कुछ लोग नजरअंदाज हो जाते हैं, डिस्पाइट स्ट्रक्चर्ड जो है उनकी क्रिकेट जो है वो वहां पे है। अब ये जो यशस्वी सी जायसवाल साहब है, ये अगर आप देखें जो इन्होंने उस दिन मुंबई इंडियंस का भुर्ता बनाया है 8 छक्के, और फिर हार तो गए लेकिन 16 चौके और 200 का स्ट्राइक रेट, आपको कैसा लगा ये लड़का? सर ये जब आए थे लिस्ट ए में 200 किए थे, फर्स्ट क्लास में रन किए थे, और आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, बहुत इम्प्रूव किया लास्ट ईयर। अब अगर देखते हैं आप, आरआरआर से खेल रहा था, आरआरआर और अभी आरआर से खेल रहे हैं, तो बहुत ही कम्पैक्ट प्लेयर है, ड्राइव अच्छी है, स्वीप अच्छी है, डिफरेंट स्ट्रोक खेलने की कोशिश करता है, सीखने की कोशिश करता है, बेसिकली फर्स्ट क्लास या लिस्ट ए, ये बम्बई से खेले और फ्रेंचाइज इनकी यहाँ से रॉयल की है, राजस्थान और रॉयल्स रॉयल ये कमा बहुत सीखा है, ये बटलर के साथ शायद खेल के या दीगर जो प्लेयर्स हैं उनके साथ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। अब जो 100 किया या 44 अभी किया कि नहीं, बैट उसका बोल रहा है। तो अगर हम इनका करियर का देखते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं, वही राजा, आउटस्टैंडिंग मेरा रिकॉर्ड, आपसे अगला आउटस्टैंडिंग। सवाल ये है कि इस फर्स्ट का स्टार्ट के साथ और इस लिस्ट के रिकॉर्ड के साथ हम मतलब क्या आपका ख्याल है कि इंडिया खिला देना चाहिए? यार बहुत करीब है, क्योंकि जिस तरह से बैक किया उसने रोहित शर्मा ने फरमाया ये मैच के बाद, तो बहुत तारीफें की, खुद ने भी की, क्योंकि है भी मुंबई का ही है ना, ये भी वहीं से खेलते हैं, तो बहुत करीब लगता है कि ये प्लेयर ना बहुत जल्द इंडियन टीम में आ जाएगा। और देखें आप 2020 का रिकॉर्ड देखते हैं, स्ट्राइक रेट 140 की है, 100 है, लिस्ट ए में 5 सेंचुरी है 32 मैच में, यानी कि 6-7 मैच के बाद 50 अगर भी होंगे तो हर तीसरे मैच में इनके 50 से ऊपर रन है, फर्स्ट क्लास। ओनली 26 मैच में, इनिंग्स में ओनली 26 इनिंग में 900 है डॉग, 80 का एवरेज है यार, ब्रिलियंट। तो ये और रुकते राष्ट्रीय नहीं अदालत है में ऐसे 6 या 7 प्लेयर, डॉग 50 भी है, 6 या 7 ज्यादा होंगे, 50 भी है। हाँ होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये यार ऐसे ही प्लेयर फिर बनते हैं, इनको अगर अच्छी तरीके से संभाला बीसीसीआई ने या कैप्टन ने, विराट कोहली हो या साथ में रोहित शर्मा हो, तो ये प्लेयर लंबे अरसे के लिए खेलेगा अगर ये आ जाता है टीम में, क्योंकि जाने का टाइम तो आ गया कुछ प्लेयर्स का। अगर ये आके शुभमन गिल के साथ ओपन करते हैं वाइड बॉल में तो अमेजिंग, क्योंकि पीछे विकेट शिखर कीपिंग भी कर धवन ने एक लेते बड़ा हैं, परफॉर्म किया हुआ जी। विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, विकेट कीपर भी है। नहीं वो तो मैं भी कर लेता हूँ डॉग, इसका मतलब थोड़ी कीपर हो गए, नहीं आप तो यार कसर मस्जिद कॉर्ड से काम ना लें, कॉर्ड कॉर्ड कसर बैन, कॉर्ड मस्जिद से बैन, काम ना लिया कॉर्ड बैन, करें। और कॉर्ड बिहाइंड वाले बैन, पृथ्वी शॉ कॉर्ड भी ऐसे ही नंबर थे जब आया था, गॉड बिहाइंड।